जस्ट इमेजिन दोस्तों, आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच देख रहे हो, टीम इंडिया हार के कगार पर है, इट्स ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ वेरी हेवी डिफीट, एंड देन सडनली यू सी अ नोटिफिकेशन पॉप अप ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, डोमिनोज का लाजवाब ऑफर, जहां इंग्लैंड के हर एक विकेट पर हमें मिलेगा फ्री गार्लिक ब्रेड हर विकेट पे। यार एक तो मैच हम इतनी बुरी तरह से हार गए, ऊपर से डोमिनोज डिसाइडेड टू रब फिलिप सॉल्ट इनटू आवर वुंड्स, व्हिच इज नॉट इवन अ गुड पन बिकॉज सॉल्ट नेवर इवन केम इनटू बैट, उनको बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ना हम मैच जीत पाए ना हमें गार्लिक ब्रेड मिला। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। शुरुआत में जब इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया था उस वक्त हमने ऑलरेडी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस वेन्यू पर जो भी टीम टॉस जीत जाती वो मैच हार जाते, द स्क्रिप्ट वॉज सेट। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से खेला दैट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, दे टोटली आउटप्लेड इंडिया इन ऑल डिपार्टमेंट्स, न जाने किस बात का बदला ले रहे थे यार, शायद इस बार्करिंग इंसिडेंट को अभी तक भूल नहीं पा रहे ये लोग। और खेल देखते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्को हमारे खिलाफ खेल रहा है। हार्दिक पांड्या के एक ओवर में बटलर प्लेड अ स्कूप शॉट, शमी फाइन लेग से दौड़ कर आए और फील्डिंग करते हुए उन्होंने भुवी की तरफ बॉल फेंका, विच वेंट वे ओवर भुवी सेड एंड द बॉल रेस्ड टुवर्ड्स द थर्ड मैन रीजन, बैट्समैन को दो एक्स्ट्रा रन्स लेने का मौका मिला। 30 साल पहले ऐसी कुछ हुआ था एक इंटर कॉलेज मैच में, आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस। तो क्या पता शायद मार्को वाज कॉम्प्रोमाइज्ड इन दिस मैच। मैच के बाद ऑब्वियसली वी ऑल वेर अपसेट, क्रिकेट एक्सपर्ट्स एंड टीम इंडिया फैंस एक्सप्रेस देयर डिसअपॉइंटमेंट ऑन सोशल मीडिया, एंड ऑफ कोर्स ये कहने की बात नहीं है कि ऐसे वक्त पर हमें टीम इंडिया को क्रिटिसाइज करने के बदले उनका साथ देना चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा अपसेट है एंड ही यूजेस सोशल मीडिया टू एक्सप्रेस हिज फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, इट डज नॉट मीन दैट दैट पर्सन इज नॉट सपोर्टिंग टीम इंडिया। वो बंदा या बंदी सिर्फ इसलिए अपसेट है क्योंकि वो टीम इंडिया के जर्नी में इमोशनली इन्वेस्टेड है, सो दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस, विच इज राइटली समराइज्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्वीट। So what I'm saying is expressing your frustration and even constructive criticism is fine. But then there are people like this guy. Perfect example of a toxic cricket fan. इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हमारी टीम जीते या हारे. As is mentioned here, these idiots don't even think for once what the cricketers are going through. हमारे क्रिकेटर्स सिर्फ BCCI के employees नहीं है, यानी 1.4 billion लोगों को represent करते हैं. Just think for a while how they must have felt after this loss. And then of course there are the traditional type of haters, जो एक्चुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन पोस्ट के दरमियान वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी दिला दो। लेट मी शेयर वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई सॉ ऑन ट्विटर आफ्टर द मैच। आपको याद होगा कि ब्रह्मास्त्र मूवी जब रिलीज हुई थी रिव्यूज काफी एक्सट्रीम थे, इधर 1 star या 5 star। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीबॉडी सेम, सब यही कह रहे हैं कि द मूवी इज स्पेक्टेकुलर, स्टोरी लाइन इज एपिक, VFX इज ग्रेट, इट्स एसेंशियली अ कॉपी पेस्ट टूल किट। And similarly, there was a toolkit for the negative reviews as well. Each and every word was same. So the toolkit for the positive reviews must have been planned by the movie's PR team, and the copy-paste negative reviews must have been done by those groups who were asking people to boycott the movie. लेकिन ये कैसा toolkit है भाई? I love seeing Rohit Sharma crying. It's my daily medicine. Blah blah blah. मतलब इसका agenda क्या है? और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि while most accounts were from Pakistan, some were even from India. सांप को पाल रहा था। वैसे ट्रोलिंग तो दोनों तरफ से होता है। जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच जीता था हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स मजे ले रहे थे। देखो थोड़ा बहुत ट्रोलिंग इज फाइन, बट यू नीड टू हैव एटलीस्ट सम बेसिक जनरल नॉलेज बिफोर यू राइट समथिंग। आज इंग्लैंड की बैटिंग देख के पता लगा पहले अंग्रेज हिंदुस्तान पर कैसे जुल्म करते थे। अबे लो, उस वक्त तू भी हिंदुस्तानी था। इस मीम गेम में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो गए। कोई बात नहीं, जब तक ये $8 पर मंथ वाला प्लान नहीं आता है कम से कम तब तक तो एंजॉय कर सकते हैं। एनीवेज, तो मैच खत्म होने के बाद मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं देखना था, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था, एंड देन आई केम अक्रॉस दिस न्यूज। आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर टेक बेबी डॉटर होम। ठीक है, घर ले गए घर। हमारे मम्मी डैडी तो हम पैदा होते ही हमें शायद डिस्को, म्यूजियम, जंगल या शायद मुंबई यूनिवर्सिटी में सीधा एडमिशन कराने लेके गए होंगे। ऐसे घर कौन लेके जाता है। डेफिनेटली दिस वाज अ मच नीडेड न्यूज। तो दोस्तों आज वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, इंडिया इज नॉट प्लेइंग, बट ऑन अ पॉजिटिव साइड जिसे मैच देखना है वो मैच देख सकते हैं, या फिर अपने फैमिली या दोस्तों के साथ कुछ संडे वाला प्लान बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक बटन पर जरूर टैप कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू अपलोड्स, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।